धुल के बुढ़िया कपड़े? बेटा धुल तो रही हूँ। एक घंटा हो गया तुझे एक जोड़ी कपड़ों में? बेटा जैसे तू समझती मेरा शरीर इस लायक नहीं है, कर तो रही हूँ मैं। अच्छा बुढ़िया, इतनी मोटी हो रही है तू खा के? मुझे देख और अपने आप को देख, घर का सारा काम कौन करेगा? रोटी बनानी है, भी सब्जी बनानी है, बर्तन मांजेगा कौन? मैं करूंगी क्या सारा काम? बेटा तू मेरे पे इतना अत्याचार क्यों करती है? मैं तुझे किस लिए लेके आई हूँ? कि मेरे को सुख मिले, दो रोटी मुझे बना के खिलाए, मेरे बेटे को सुख दे, और तू उल्टा मेरे पे अत्याचार करती है। तू मुझे काम वाली बाई समझती है? मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, सारा काम तू करेगी, मैं यहाँ पे खाऊंगी बस खाऊंगी, तेरी तरह नहीं हूँ मैं, समझी? मन तो ऐसा करता तेरा खोपड़ा सा इसमें मारू, तेरे पे एक भी काम ढंग से नहीं होता। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा तुम मुझे मौत दे दे, मैं जीना नहीं चाहती। अच्छा बुढ़िया, तो तू मरना चाहती है? नू बता, मेरे कपड़े कौन धोएगा और मेरी रोटी कौन बनाएगा? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अच्छा बुढ़िया, तू तो बहुत चालाक है, हैं? तू तो मर जाएगी, मेरा सारा काम कौन करेगा घर का? बेटा मुझे मर तो जान दे कम से कम, मैं जी के करूँ क्या? तू मेरे ऊपर इतना अत्याचार करती है, मैं तंग आ चुकी तेरे अत्याचारों से। मेरे मरने से मुझे कोई फायदा नहीं है, देख मुझसे अपने लिए रोटी नहीं बनती, मेरे लिए रोटी तो तू ही बनाएगी और तुझे जिंदा रहना पड़ेगा। बेटी मैं तेरे रोटी सब्जी बना दूंगी, सब काम करूंगी, पर तू मुझे मारे तो मत ना, तेरे आगे हाथ छोड़ती बेटी, हाथ छोड़ती। ड्रामे मेरे को मत दिखा करके, झाड़ू भी लगाऊंगी, कपड़े भी धुलवाऊंगी और खाना भी तू ही बनाएगी और मारूंगी भी तुझे, रोज तू ऐसे ही पिटेगी। और तू क्या हाथ जोड़ेगी मेरे? मैं ही तेरे सामने हाथ जोड़ लूंगी, ठीक है? माँ जी मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, कितनी बार आपको समझा रखा है, पता नहीं क्या तुम खुद ही करती रहते हो। कपड़े धो के आ गए ना, मैं धोऊंगी। आप देख लो जी, मैं तो इनसे कह कह के थक गई हूँ, एक भी काम के हाथ में लगाओ, मैं हूँ ना सारा काम करने के लिए, फिर भी ये मानती नहीं है मेरी बात, अब मैं क्या करूँ? चल कोई ना, थोड़ा बहुत मन करता काम करने का तो कर ले लेकर। मैं तो इनको बोलती रहती हूँ कि थोड़ा अपनी सेहत पर भी ध्यान दे और थोड़ा बाहर घूमे, ठंडी ठंडी हवा खाएं और आराम से बैठ ही रहे, सारा काम मैं करूँगी, दो रोटी मैं दूंगी इन्हें आराम से बैठ के, और मैं हूँ ना सारा काम करने के लिए, सारा काम मैं करूँगी। माँ जी आप सिर्फ बस बैठ जाया करो। माँ जब भी मना करती है काम करने को तो क्यों करती हो खामखा? ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की मर्जी, मैं वैसा ही करूँगी और मैं किसी काम को आज के बाद हाथ नहीं लगाऊंगी, और दो रोटी मुझे सुबह को चाहिए, दो शाम को चाहिए, और भगवान का भजन करूँगी बैठी मैं तो, और क्या चाहिए। ये बात हुई ना, ठीक है माँ तुम जाओ आराम कर लो। ठीक है बेटा, और तू मेरे को रोटी दे दे चल। ठीक है आप जाओ, मैं ये कपड़े थोड़ा निचोड़ के माँ जी पे ठीक से नहीं निचोड़े ना, मैं आती हूँ, आप जाओ जल्दी आइयो। ठीक है। बुढ़िया आज तो तू बच गई, पर अब नहीं बचेगी, तुझे मैं छोड़ने के लिए आज इनके ऑफिस जाते ही इस बुढ़िया का काम तमाम कर दूंगी। क्या बड़बड़ा रही है अकेले अकेले? कुछ नहीं जी, वो आज भाई की याद आ रही थी। चल तो तेरे को भैया से मिला के लाऊंगा तेरे, कल निकल लो। ठीक है, अब बताती हूँ बुढ़िया को। ओहो, खाने का टिफिन तो घर ही भूल गया, चल लेके आता हूँ। अच्छा बुढ़िया तू यहाँ फोन चला रही है? घर का काम तेरा बाप करेगा, और तू फोन में क्या देख रही है, दिखा रही जरा। वो मैं वो हीरोइन बनेगी, सकल है तेरी हीरोइन बनने लायक। बहू तू ऐसा क्यों कह रही है? क्या मेरा मन नहीं करता कुछ चीज देखने को? तेरा सारा काम करती हूँ फिर भी तू मुझे टॉर्चर करती रहती है, मारती पीटती रहती है, ऐसा क्यों करती है तू? ऐसा क्यों करती रहती हूँ? अभी तक तो तुझे सही से मारा नहीं मैंने, मार के दिखाऊं कैसे मारती हूँ? तेरा बेटा आ गया, उसे अगर तूने कुछ भी बताया ना वो तो मुझे मारेगा, लेकिन उसके बाद तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। ठीक है बेटी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी अपने बेटे को।
माँ जी कौन सी मूवी देख रहे थे आप? माँ वो रामपाल चाचा वहाँ जा रहे हैं हरिद्वार गंगा जी नहाने, तू भी चली जा साथ में, उनकी गाड़ी जा रही है, गाड़ी में जाइयो, गाड़ी में आइयो। अरे बेटा हिंदे कहाँ ले जाए मुझे, घर में ठीक हूँ। अरे चल ना माँ जल्दी चल। अरे माँ जी चले जाओ ना। ठीक है बेटी तू कह रही तुम चली जाती। हाँ